नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, ये आज मैं कुछ बहुत ही बड़े स्टार और बहुत बड़े डायरेक्टर की बात कहने जा रहा हूँ। उन दोनों का एक साथ में रहना बहुत ही पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में हलचल मचा देता था, क्योंकि उन लोगों ने साथ में मिलकर, एक तो डायरेक्टर साहब थे और एक एक्टर सुपरस्टार, बहुत ही श्योर शॉट की ये इनकी जोड़ी रहेगी तो ये फिल्म 100% सुपर हिट रहेगी और झंडे गाड़ देगी, और कामयाबी के झंडे तो गाड़ेगी ही गाड़ेगी, साथ में बहुत सी अच्छी कमाई भी कर देगी। तो दोस्तों, 90s के दशक में, 90 के दशक में ये जोड़ी बहुत ही मशहूर हुई थी और उन्होंने भरपूर मनोरंजन किया हम बॉलीवुड वालों का, हम देखने वालों का, दर्शकों का, सभी का मनोरंजन किया। और उनकी वजह से सब डिस्ट्रीब्यूटर्स और सभी लोग मालामाल हो गए। उनकी फिल्में सुपर हिट रही और उनकी गारंटी रहती थी, फिल्म दोनों की अगर जोड़ी मिल जाए तो फिर सुपर हिट होना ही है फिल्म को। और वो जोड़ी 90 के दायके में बहुत ही अच्छी चली थी। तो दोस्तों, कौन है वो जोड़ी, कैसी थी, क्या क्या किया उन्होंने, कौन सी फिल्में की, वो सब मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते उससे पहले मैं कहूंगा कि अगर मेरी चैनल पे आप नए हो तो अभी, मतलब नीचे जो लोगो आ रहा है उसमें सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। मेरी चैनल रंगीन राह, मैं आपका होस्ट और दोस्त विपिन कुमार। तो ये कौन है दोनों, उसके बाद तो शायद आप लोग जान भी गए होंगे, डायरेक्टर डेविड धवन और गोविंदा। उन दोनों की जोड़ी इतनी सुपर जोड़ी थी कि उनका डायरेक्शन और इनकी कॉमेडी, गोविंदा की कॉमेडी, बहुत ही रंग लाती थी और सुपर हिट, और दर्शकों को पैसा वसूल, उनको मनोरंजन मिल जाता था। दोस्तों, वो बहुत सालों से फिल्मों में साथ में थे, बहुत सी फिल्में उन्होंने बनाई और एक दिन एक फिल्म आई डू नॉट डिस्टर्ब, और उसके बाद दोनों अलग हो गए। क्यों अलग हुए वो किसी को नहीं पता, किसी ने बताया भी नहीं, ना गोविंदा जी ने बताया, ना डेविड धवन ने बताया। लेकिन अब इतने सालों के बाद गोविंदा जी की वाइफ सुनीता ने बताया है कि क्यों दोनों अलग हुए थे, क्या मनमुटाव हुआ था उन दोनों के बीच में, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। IMDb के हिसाब से उनकी जो फिल्में थी वो बहुत ही पहली 10 हिट फिल्मों में आती थी और उनकी जोड़ी ने बहुत कमाल किया था। लेकिन इतने वर्षों में साथ में रहने के बाद वो अलग क्यों हुए किसी को पता नहीं था, लेकिन सुनीता जी ने एक इंटरव्यू में कहा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, रहिए मेरे साथ। गोविंदा और डेविड धवन ने, दोनों ने साथ में मिलकर बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में जी, जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हीरो नंबर वन और हसीना मान जाएगी। लेकिन एक समय के बाद दोनों के बीच काम करने की यह जादुई जोड़ी अचानक टूट गई। लोगों को भी होने लगा कि ये जोड़ी इतने सालों से अच्छा काम कर रही थी, क्यों अलग हो गए। उनकी वजह किसी को ना डेविड जी ने बताई, ना गोविंदा जी। कई सालों तो ये राज ही रहा, ये क्लियर भी नहीं हुआ कि क्यों उन दोनों अलग हो गए। हाल ही में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि असली वजह क्या थी, उन्होंने ये बताया। सुनीता जी ने बताया कि उनकी अलग होने की वजह सिर्फ एक ही थी कि डेविड धवन ने जब उन्हें कहा कि आपने तो बहुत सी फिल्मों में लीड किया है, फर्स्ट लीड किया है, अब आप सेकंड लीड कीजिए, तो गोविंदा जी को नागवारा था। गोविंदा जी ने इतनी फिल्मों में फर्स्ट लीड ही किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट लीड अब तक किया है, अभी सेकंड लीड अपने मन से ही क्यों करूं। उन्होंने ना कह दिया, उन्होंने कहा कि मैं अब तक, मेरी वजह से ये फिल्में चली है और सब में मैंने फर्स्ट लीड ही किया। डेविड जी ने बताया कि देखिए, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और ये सब जो बहुत सालों से फर्स्ट लीड करते थे वो भी अभी सेकंड लीड में आ गए हैं। 1990 में, जब ये 90s के दौर में गोविंदा जी शिखर पे थे, जब ऊंचाई पे थे और सबको टक्कर दे रहे थे, अक्षय कुमार, अमिताभ जी वो भी टक्कर दे रहे थे, तो उस वक्त उनको ये सही नहीं लगा कि मैं सेकंड लीड करूं। अब तो मैं चल रहा हूं, फर्स्ट लीड कर रहा हूं, लेकिन
वो माने नहीं। ये शायद उनके लिए मुश्किल भी था करना, क्योंकि इतने सालों से लीड कर रहे थे और अचानक से सेकंड लीड में आ जाना अच्छा नहीं लगा। मैंने ये भी बताया कि हमेशा इतने सालों से जो सोलो हिट देने में कामयाब थे और सिर्फ गोविंदा जी के नाम पे ही फिल्में बिक जाया करती थी, और गोविंदा जो फिल्म में रहते थे वो सुपर हिट होना श्योर शॉट था, और लोगों को भी लगता था, डायरेक्टरों को भी लगता था, और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी उन पे पैसा लगाने को तैयार थे। तो जब सोलो हिट वो दे रहे थे तो सेकंड लीड में अचानक आ जाना, अपने आप अचानक आ जाना, उनको गवारा नहीं गया। इसीलिए गोविंदा जी ने ना कह दिया, गया डेविड जी को ना कह दिया कि मैं सेकंड लीड नहीं करूँ। सुनीता जी ने ये भी कहा है कि डेविड धवन की यह सलाह गलत नहीं थी, लेकिन गोविंदा का न मानना भी उनकी जगह समझा जा सकता है कि डेविड गलत नहीं थे, लेकिन गोविंदा का फीलिंग भी सही था। वो मानते थे कि आज तक मैं फर्स्ट लीड करता हूँ, वो सोलो हिट भी देता हूँ, सिर्फ मैं अकेला होता हूँ तो भी फिल्में हिट जाती है। गोविंदा जी ने आखिर वो भी माना था कि समय बदल चुका था, अभी पब्लिक थोड़ी कुछ रोमांटिज्म या तो फिर और भी दूसरे फाइट के जो भी सिक्वेंसेस आते हैं और उस टाइप की जो फिल्में आती थी उसकी तरफ मुड़ चुकी थी, और हीरो को ये जानना चाहिए कि कब उन्हें नई दिशा में कदम रखना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सुनीता जी ने यह भी कहा कि वो 90s के दौर में जो सोलो हिट देते थे, सोलो हीरो थे, लेकिन आज के ज़माने में जैसे कि वक्त बदलता है, चेहरे पे मालूम पड़ जाता है कि ये कुछ और आगे बढ़ रहे, यानी अपनी एज में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फर्स्ट लीड ही करूँगा और सोलो लीड ही करूँगा। खुद पे कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो नहीं कि मैं रहूँगा तो मैं अकेले ही ये फिल्म को चला ले जाऊँगा, मेरी वजह से फिल्म हिट हो जाएगी। ये तो सबको अपना अपना सोचना होता है, जैसे राजेश खन्ना ने भी सोचा था कि मैं सुपरस्टार हूँ और मैं हमेशा लीड ही करूँगा, या तो फिर ठीक है दूसरे रोल करूँगा लेकिन कैमरा मेरे पर ही रहना चाहिए, मैं ही सुपरस्टार हूँ। ये जो कैरेक्टर बहुत कामयाबी मिलने के बाद ये कैरेक्टर के मन में ये छा जाता है कि मैं हूँ तो सब कुछ है, सब कुछ मेरी वजह से है। तो ये तो गोविंदा जी के माइंड में भी था कि मैं सोलो हिट आज भी दे सकता हूँ, ठीक है कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, लेकिन श्योर शॉट नहीं था। तो सुनीता जी ने ये कहा कि वो अगर बदल जाते तो फिर आज भी वो फिल्में करते रहते, जैसे कि अमिताभ ने अपना रूट बदला, रूट यानि रास्ता बदला, तो वो आज भी फिल्मों में है, आज भी काम कर रहे हैं और अपने मुताबिक रोल भी लिखवा सके। गोविंदा और डेविड धवन की आखिरी फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब जो थी वो 2009 में रिलीज़ हुई थी, तब से लेकर अब तक ये जोड़ी साथ नहीं आई। लोगों ने तो बहुत चाहा कि वो दोनों साथ में आ जाए तो हमें वही मनोरंजन मिले, वही हंसी का खजाना मिले, लेकिन डेविड धवन का ये मानना है कि अब गोविंदा को मेन लीड का सोचना नहीं चाहिए, सेकंड लीड करनी चाहिए। हो सकता है शायद उनके मन में ये हो कि वरुण धवन जो उनका बेटा है वो फर्स्ट लीड करे और सेकंड लीड में गोविंदा करे, वो तो अपने अपने सोचने की बात है, क्योंकि उन्हें भी तो कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी वजह से गोविंदा आज इतने हिट हुए तो मेरी वजह से और भी कोई आएगा वो हिट हो सकेगा। हो सकता है खुद के बच्चे के लिए भी सोचा हो वरुण धवन के लिए, लेकिन सबका अपना अपना सोचना होता है, सबका अपना अपना कॉन्फिडेंस रहता है, सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। सुनीता ने जब ये कहा, सुनीता यानी गोविंदा की वाइफ ने जब ये कहा कि वो दोनों क्यों अलग हुए, तो यही वजह थी जो आज तक हम लोग नहीं जानते थे, और हर दर्शकों के मन में यही था कि वो अचानक कैसे हो गए अलग, जैसे कि सलीम और जावेद अलग हो गए थे, उनकी भी वजह कोई थी नहीं लेकिन अलग हुए थे। तो लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है कि इतनी अच्छी हिट फिल्में देने के बाद दोनों अलग क्यों हुए। तो दोस्तों शायद ये वीडियो देख के आपको भी मालूम पड़ गया होगा कि क्या थी असली वजह, क्यों सुपर हिट जोड़ी, बहुत सी फिल्में जो इन्होंने दी है हिट फिल्में कॉमेडी फिल्में वो अलग क्यों हुए, यही वजह थी। दोस्तों ऐसे ही बातें कुछ लेके आया करूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, आपका दोस्त आपका होस्ट विपिन कुमार।
दोस्तों अगर आप नए हो तो एक बार और कहूँगा, नीचे जो लोगो आ रहा है उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए। लाइक अगर आपको रहेगा तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन चाहिए ना आपको, दूसरे वीडियो भी तो देखने ज़रूरी है ना, तो फिर लाइक्स दीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका दोस्त आपका होस्ट विपिन कुमार, नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।